जमाल मियां बता रहे थे कि 10 साल की उम्र तक तो घरवाले ध्यान ही नहीं देते थे, चाहे कितनी शरारत करो, किसी को परेशान करो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 15 से 25 साल तक घर वालों ने दबा के सुताई की, कभी पढ़ाई ना करने पर, कभी बाजार से सामान ना लाने पर, तो कभी काम ना करने पर। 27 की उम्र में घर वालों ने एक परमानेंट टीचर के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। वो बच्चों को पढ़ाते हुए गुस्से को कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि सरकार ने कह रखा था कि किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। अब वो सारा गुस्सा मेरे 40 साल के होने तक मुझ पर उतरा। 44 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार होश संभाला तो लगा कि जिंदगी अपने हिसाब और अपनी मर्जी से जी लूंगा। बड़ा बच्चा 16 साल का हो गया था, लेकिन मैं उसे मारता नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी अभी भी टीचर ही थी। क्लास में बच्चों को मारने पर अब भी सरकार ने बैन लगा रखा था, लेकिन मुझे क्या पता था, 4 बच्चों के बाद अल्लाह ने एक नेमत और बीवी की गोद में डाल दी। हालांकि अब मेरा जोश थोड़ा ठंडा हो गया था। इस वाकये को देखकर मुझे मरियम का वाकया याद आ गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये सोचने लगा कि शायद हजरत मेहदी मेरे ही घर में इमामत करने आएंगे। लेकिन अफसोस, वो लड़की हुई और उसकी शक्ल भी पूरी मुझसे मिलती थी। 4 लड़कियों के घर में रहने वाले लड़के अक्सर ख्वाजा सरा जैसी बातें करते हैं, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं। मेरे लड़के के साथ खेलने वाले हाशिम साहब के लड़के को इस बीमारी ने पकड़ लिया। बेचारा लिपस्टिक लगाकर सारी गली में टिकटॉक के वीडियो बनाता फिरता है। ये सब हमले चल ही रहे थे कि रफीक भाई ने बताया कि चाइना में किसी कमबख्त ने चमगादड़ खा लिया, जिसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल सकता है। मैं सोचता रहा कि मैं तो चिकन लेग पीस से भी सिर्फ बोटियां उतार कर खाता हूँ, उस कमबख्त ने हड्डियों वाली चीज कैसे खा ली। और फिर जिसका डर था वही हुआ। हिंदुस्तान में लॉकडाउन आ गया। अब 5 बच्चों और एक टीचर को कैसे झेला जाए, सबसे बड़ी यही मुसीबत है। अकील साहब तो कह रहे हैं अब जो कुछ भी होगा हम उम्र ही होगा, तो आप चिकन मंगा लीजिए और सगाई की रस्म अदा कर देते हैं। अकील साहब तो हकीम साहब से दवा ले आए थे, पर मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मेरा जोश अब ठंडा हो चुका है।